महिला सेल की प्रदेश की अध्यक्षा शीला भारती, अलका की महिला सेल की प्रधान शिवापटी पानोनी, किसान सेल के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ प्रधान बड़े भाई अमरजीत मलिक जी, अलका के प्रधान ओम प्रकाश जी खरबड़ा, कांता देवी जी, दरबीर सिहाग जी, युवा के अलका के अध्यक्ष अजीज सुशील खरब जी, यादवंदर खरब जी, दिलवा कुहार जी, मेरा अपना गांव माजरा है, सभी पूजनीय बुजुर्गों को जानता हूं तो सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए माफी चाहूंगा। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आदरणीय विधायिका जी का मैं माजरा गांव में पहुंचने पर सभी माता और बुजुर्गों नौजवान साथियों की ओर से मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की ओर से, सिर्फ मेरी ओर से नहीं, और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पिछले लोकसभा चुनाव में आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी आपके प्रयासों से, आपके वोट से या से जीत करके गए थे। अब मैं आदरणीय विधायिका जी को यह विश्वास आपके दम पर, माजरा गांव की माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों के दम पर इनको दिलाना चाहूंगा कि पिछले माजरा गांव में जितनी जीत आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हुई थी, सभी साथियां खड़े कर करने को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, उससे भी बड़ी जीत दिलाकर हमको फिर से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपील करूंगा आपकी नेता और आपके आज के आपके मेहमान आदरणीय विधायिका नैना चौटाला जी से कि वो आपको अपना शुभ संदेश दे, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आपसे वोट की अपील करें। आदरणीय विधायिका जी, मान सम्मान के योग मेरे लिए बड़े ही आदरणीय है। मेरे पिता तुले बुजुर्गों, भारी संख्या में खड़े नौजवान बच्चों और मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी रीढ़ की हड्डी यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, मेरी काकीताएं और मेरी बहनें, आप सब और पूरा सम्मानित मंच जननायक जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, सबका यहाँ इकट्ठा होने पर, वो भी काम के सीजन पर, आज के दिन गेहूं की कटाई जो है वो पीक पर है और खेतों में काम ही काम है, उस काम को देखते हुए आप इतनी भारी संख्या में आप सब इकट्ठे हुए, तो पूरे गांव के, माजरा गांव के ग्रामवासियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे बिल्कुल साफ कह रही हूँ कि मैं तो दुष्यंत के लिए आप लोगों से वोट मांगने के लिए आई हूँ। पहले दुष्यंत भी आया है, पिछली बार मैं पहले बार माजरा गांव में आप लोगों से, और दुष्यंत की माँ हूँ तो जितने दुष्यंत को दिए उसकी माँ मांगने के लिए आई, तो दुगने करके आप लोगों को वोट देने पड़े। आप लोगों ने दुष्यंत को बहुत ज्यादा प्यार दिया था, बहुत ज्यादा मान और सम्मान दिया था, और देश का, भारत वर्ष का सबसे युवा सांसद आप लोगों ने दुष्यंत को बना के भेजा था। हर चीज में आप लोगों ने दुष्यंत को दिया, दुष्यंत ने भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, और जो आपने युवा सांसद बना के भेजा था अपनी एमपी ग्रांट में से, हर संभव उसने कोशिश की है कि हर गांव को थोड़ा थोड़ा दे के, और अपने उसमें से, चाहे वो गांव में पानी टैंकर देने की बात हो, चाहे वो महावीर स्टेडियम में रोजगार मेला लगा के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम हो, चाहे संसद में आपकी आवाज सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला सांसद भी दुष्यंत है। उसने संसद में ट्रैक्टर ले जाकर ये साबित कर दिया कि अगर किसानों की आवाज उठाने की अगर मंशा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो विपक्ष में रह के किसानों की आवाज उठाई है और संसद में ट्रैक्टर ले जाकर ट्रैक्टर को कर मुक्त करने का काम भी दुष्यंत ने किया, और बहुत सारे काम है, जैसे कि जुगलाण गांव को वाईफाई करना और डालियों में लाइट पहुंचाना, बहुत सारे काम दुष्यंत ने, जैसे हिसार में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाना, ऐसे बहुत सारे काम है जो दुष्यंत ने किए। वो ही दुष्यंत 5 साल बाद
12 मई को जो इलेक्शन है उसमें जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार है, आपका लाडला है, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, आपका सहयोग मांगती हूँ कि 12 तारीख को, और दुष्यंत जो है वो जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार है, दुष्यंत का चुनाव चिन्ह जो है वो चप्पल का निशान है, तो 12 मई को चप्पल पहन के हमारी सहयोगी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह जो है वो झाड़ू है, तो बीजेपी की और कांग्रेस की अच्छी तरह झाड़ू से सफाई करके वोटिंग मशीन पर दुष्यंत का नाम देख के, उसके आगे चुनाव चिन्ह देख के और सुबह से शाम तक तीती बजाने का काम कर देना। और 5 साल जो है जो मौजूदा सरकार बीजेपी का राज हमने बहुत अच्छी तरह देख लिया, मुझे लगता है ये राज तो बड़े बुजुर्गों के साथ साथ शायद हमारी युवा जनरेशन और उससे छोटे बच्चों को भी हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतने बड़ा उनका घोषणा पत्र था, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि हम लोग किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों के लिए उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाएंगे, हम किसानों को अगर उनकी फसल खराब होती है तो उसका जो मुआवजा है हम किसानों को बहुत ज्यादा देंगे, बेरोजगार बच्चों के लिए हरियाणा में 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। इनके घोषणा पत्र में था कि हर आदमी के खाते में, जन जन के खाते में 15 लाख रुपए जो है वो डलवाने का काम करेंगे। हमारी जो आज की बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा बीजेपी सरकार ने उठाया था, उनकी शिक्षा का जिम्मा बीजेपी सरकार ने उठाया था, और बहुत सारी चीजें जो इनके घोषणा पत्र में, अगर पूरे साल का 5 साल का इनका घोषणा पत्र उठा के देखो, तो अगर मैं बात किसानों की करूँ तो मुझे लगता है आज के दिन, मौजूदा दिन सबसे दयनीय हालत किसकी है, मेरे किसान भाइयों की, मेरे बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि हर रूप में हम लोगों ने कर्जा ले रखा है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, चाहे हमारे खेतों के लिए ले रखा हो, चाहे हमने मकान बनाने के लिए ले रखा हो, और बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने बैंकों से हरियाणा के नाम पर इतना कर्जा उठा रखा है कि मुझे लगता है हमारी 4 पीढ़ियां जो है शायद वो इस कर्जे से मतलब ढकी हुई रहेंगे, तो ना इन्होंने हमारा कर्जा माफ किया, ना इन्होंने आज हमारी गेहूं जो है, हमारी सरसों जो है उसका जो मूल्य है कम से कम हमें 5,000 रुपए देने का पड़ता है, पर अगर आज के दिन हम सरसों बेच के आते तो हमें 3500 रुपए मिलते हैं, और बहुत सारी फसलें जिनका हमें बिल्कुल मुआवजा नहीं मिल रहा, और ये कहते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए हमने किसानों के डलवा दिए, तो इनसे पूछने वाली बात है कि अगर आप किसान के खाते में 2000 रुपए डलवा रहे हो तो जो 500 रुपए पर एकड़ आप हमारे खातों से निकाल रहे हो वो पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं, जब इनसे इस बात का जवाब मांगो तो कहते हैं वो प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनियां किसकी है, ये सारी की सारी कंपनियां इनकी बीजेपी सरकार की है, चाहे ऊपर से वो अडानी ले लो, चाहे वो अंबानी ले लो, चाहे इनके और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये सारी कंपनियां इन लोगों की है, इन्होंने कमाई का एक, वो कहते हैं ना कान सीधे हाथ से पकड़ लो चाहे उसको घुमा के पकड़ लो, तो इन्होंने तो कान को घुमा के पकड़ लिया ताकि लोगों को घुमाते रहो और लोगों को पता भी नहीं चले भी बीजेपी सरकार पैसा खा रही है, और बहुत सारी चीजें जैसे कि हमारे खातों में इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए, मुझे लगता है कोई एक या इतने लोगों में से है जिसके खातों में 15 लाख रुपए आए, कोई भी आदमी, कोई भी हरियाणा का वासी ऐसा नहीं है जिसके खातों में 15 लाख रुपए आए, कोई भी, मैं कहूंगी 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार, मुश्किल से पूरे हरियाणा में 20,000 बच्चे भी आज के दिन हमारे नौकरी लेने लगे, और बहुत सारी चीजें हरियाणा के स्कूल उठा के देख लो, शिक्षा का स्तर जो है वो आज के दिन इतना ज्यादा गिर चुका कि जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमारे बच्चे जो है वो 35% से ज्यादा नंबर नहीं ले पाते, उसमें भी मैं कहूंगी लड़कों की बजाय लड़कियां बाजी मारती हैं, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो आज हॉस्पिटल्स हमारे जो है वो बिल्कुल जर्जर हालत में, तो इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए, इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने के लिए 12 मई का दिन जो है वो इस बीजेपी सरकार को चलता करने का दिन है, तो मैं आप लोगों से कहूंगी, मेरे बड़े बुजुर्गों से कहूंगी, नौजवान बच्चों से कहूंगी,
और मेरी काकी ताइयों से कहूंगी कि एकजुट होके एकजुट हो जाओ इस बीजेपी सरकार को चलता करने के लिए, नहीं तो 5 साल जो भुगतान किए हैं ना आपके आने वाले 5 साल जो है वो इससे भी ज्यादा भयानक होंगे हरियाणा के लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो इस बीजेपी सरकार को चलता करने के लिए 12 मई का दिन बहुत अच्छा है और आपका अपना युवा सांसद जिसको आपने पहले संसद में भेजने का काम किया, तो 12 मई को चप्पल पहन के दुष्यंत के नाम पर चप्पल पर मोर लगाने का काम करना, क्योंकि एक सांसद जब हम उसको भारी मतों से जिताकर भेजते हैं तो एक सांसद के नीचे 9 विधायक बनाने का भी काम हम लोग करते हैं। तो आपकी अपनी सरकार होगी, जननायक जनता पार्टी की सरकार होगी, जब आप दुष्यंत को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर संसद में भेजने का काम करोगे तो आने वाला समय लोकसभा के इलेक्शंस के बाद में एकदम विधानसभा के इलेक्शन जो है वो 2 महीने बाद है, तो आपका राजपाट होगा, आपकी सरकार होगी और पहली कलम से जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पर मैं आप लोगों से कहूंगी कि किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। जितने भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं हर घर से एक बच्चे को रोजगार देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी और ये जननायक जनता पार्टी जो है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें हर वो नीति है जो चौधरी देवीलाल की नीति हुआ करती थी, जैसे दादाजी ने हर वो काम किया था जो ग्रामीण आंचल से हर किसान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे उन्होंने 100 रुपए पेंशन शुरू की थी। आज मौजूदा सरकार जो है वो पेंशन 2000 रुपए दे रही है। जब आपका राजपाट होगा, आपकी अपनी सरकार होगी, जननायक जनता पार्टी का राज आएगा तो कोई पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और जो महिलाओं की उम्र है वो 60 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का काम करेंगे और पुरुषों की उम्र जो है वो 60 की बजाय 58 वर्ष करने का काम करेंगे। 6800 गाँव में RO सिस्टम लगाने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। हर किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री देने का काम करेंगे। हर गांव में मोबाइल डिस्पेंसरी दिल्ली की तर्ज पर, जैसे कि दिल्ली में हर मोहल्ले में एक मोबाइल डिस्पेंसरी खड़ी है जिसमें डॉक्टर नर्स और कंपाउंडर है, वैसे भी गांव के हर गांव में एक एक मोबाइल डिस्पेंसरी लाने का काम करेंगे ताकि हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को हर दिन छोटी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े शहरों में ना जाना पड़े। तो ये सारी बातें जो है वो तभी संभव है जब हम एकजुट होकर इकट्ठे होकर भारी संख्या में पूरा मतदान जो है वो एक तरफा करके हम लोग दुष्यंत को वोट दें। बाकी वोट मांगने के लिए आपके पास बहुत सारी पार्टियों के लोग आएंगे, उनमें मैं पहले कहूंगी कि कांग्रेस के लोग आएंगे आप लोगों के पास वोट मांगने। जब कांग्रेस का उम्मीदवार आप लोगों से वोट मांगने आए तो एक बारी उससे ये पूछ लेना कि भाई तुम लोगों ने आदमपुर को कितना संभाला है, 5 साल हो गए उन लोगों ने कभी MLA बन के आदमपुर की तरफ देखा नहीं, पहले भी वो सांसद रहा हुआ है पर ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति जानते हैं, ये लोग कभी दोबारा आपके पास वोट लेने के पास आपकी शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये 5 साल में एक बार आने वाले हैं और इनको तो हर साल पार्टी बदलने का इतना ज्यादा शौक है कि पहले हचका फिर कांग्रेस, और अब टिकट 3 दिन नहीं मिली तो ये बीजेपी के दरवाजे पे खड़े थे कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो मैं तो बीजेपी से लड़ूंगा। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से, मौकाप्रस्त लोगों से सावधान रहना। और बीजेपी के लोग अगर वोट मांगने के लिए तो मैं मेरी माता और बहनों से कहूंगी कि आप बिल्कुल ठोक बजा के बीजेपी वालों से पूछना कि भाई सबसे पहले ये बता दे वो हमारे 15 लाख रुपए का है जो आपने वादा किया था कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, पहले ये बता दो कि वो 2 लाख बच्चे कौन से गाँव के लगे हैं जो आपने वादा किया था रोजगार देने का, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ है जो आपने वादा किया था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो फसलों का मूल्य कहाँ है जो आपने कहा था कि आपको हर फसल का उचित मूल्य मिलेगा, और वो हमारी पेंशन जो 2-2 महीने बैंकों में पड़ी रहती है हमें पेंशन नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी सरकार के वो बीजेपी उम्मीदवार जो आएगा उसे पूछने वाली है, और बीजेपी का उम्मीदवार जो है उसके लिए मैं कहूंगी कि वो AC कमरे में बैठने वाला सरकारी अधिकारी है, सारी उम्र उसने AC कमरे में निकाली है, उसको नहीं पता कि ग्रामीण अंचल के लोग जो है वो अपना कैसे काम धाम करते हैं, वो कैसे खेती करते हैं।
कैसे लोग जब चलते हैं तो खेतों में काम करते हैं, और उनकी माता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो ना समझ है, और सोनीपत के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे। तो उनसे ये पूछने वाली बात है कि आपको भी तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोग ही विधानसभा पहुंचाने का काम करते हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को लोकसभा में भेजने का काम किया था, तो फिर आप अपने बेटे को ना समझ लोगों के बीच में क्यों उतार रहे हो? हिसार की जनता तो ना समझ है ना, तो ऐसे इन लोगों से आप जरूर जरूर प्रश्न पूछना कि कहाँ है वो सारा घोषणा पत्र जो आप लोगों ने हमारे से वादा किया। तो ऐसे मौका प्रस्त लोगों से सावधान रहना, और एकजुट होके एक बिल्कुल कट्ठे होके इस बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करो। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के दुष्यंत के लिए वोट मांग रही हूँ कि बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करो और जननायक जनता पार्टी को लाने का काम करो। आपका अपना दुष्यंत है, उसको भारी मतों से आप लोग जिताने का काम करो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।